नमस्कार, मैं हूं अंजलि। हमारे खास प्रोग्राम डॉक्टर टॉक में आप सभी का बहुत स्वागत है। माँ और बच्चे के बीच का रिश्ता अटूट होता है, ये रिश्ता अनमोल होता है, लेकिन कई बार इस रिश्ते को समझने का मौका कुछ महिलाओं को नहीं मिल पाता, क्योंकि वो माँ नहीं बन सकती और इस बात को लेकर वो बेहद परेशान भी रहती हैं। लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सबके लिए एक ऐसी तकनीक आ गई है जिसके सहारे आप भी मां बनने का सुख पा सकती हैं। और इस तकनीक का नाम है IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी। प्राकृतिक रूप से गर्भधारण नहीं कर पा रही महिलाओं के लिए IVF वरदान साबित हुआ है। इनफर्टिलिटी और IVF पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में IVF स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर कांची खुराना, IVF स्पेशलिस्ट, इंदिरा IVF चंडीगढ़ से। हमारे साथ हैं डॉक्टर बकुल कपूर, IVF स्पेशलिस्ट, इंदिरा IVF लुधियाना से। और हमारे साथ हैं डॉक्टर मनजोत कौर, IVF स्पेशलिस्ट, इंदिरा IVF जालंधर से। हमारे तीनों स्पेशलिस्ट का बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और इस बीच हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, IVF पर चर्चा शुरू करें इससे पहले एक जरूरी सूचना है आप सबके लिए। लगातार स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, ये वो नंबर्स हैं जिनके जरिए आप IVF या इनफर्टिलिटी से जुड़ा कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं हमारे स्पेशलिस्ट से तो आप पूछ सकते हैं। तो आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है मेरा डॉक्टर कांची खुराना से। डॉक्टर कांची खुराना, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि IVF तकनीक के बारे में आप विस्तार से हमें जानकारी दें, साथ ही ये भी बताएं कि IVF तकनीक के आविष्कार के पीछे क्या कारण थे। IVF तकनीक के बारे में जानने से पहले या IVF क्या होता है, इसका क्या प्रोसेस होता है, ये जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी कैसे होती है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि IVF क्या होता है और IVF का प्रोसेस क्या होता है। तो होता ये है कि हर औरत के शरीर में एक बच्चेदानी होती है जिसे हम यूट्रस कहते हैं। उस यूट्रस के साथ अटैच्ड दो फलोपियन ट्यूब्स होती हैं और उन दो फलोपियन ट्यूब्स के साथ दो अंडाशय या दो ओवरीज होती हैं। तो ओवरी में अंडे बनते हैं, अंडे बढ़ते हैं, और जब अंडे बढ़ जाते हैं उनमें से एक अंडा फूट जाता है। जब एक अंडा फूट जाता है, ट्यूब उसे पकड़ लेती है, ट्यूब उसे अपने अंदर ले आती है। जब हम संभोग करते हैं तो वीर नीचे गिरता है, वीर के रास्ते छोटे छोटे शुक्राणु बच्चेदानी से होते हुए ट्यूब में आ जाते हैं। एक अंडे और एक शुक्राणु का मिलन ट्यूब में होता है। अब जो IVF तकनीक का आविष्कार हुआ था वो 1978 में हुआ था। 1978 में लंदन में ये इसका आविष्कार हुआ था। लंदन के दो साइंटिस्ट थे, स्टेप्टो और एडवर्ड्स, जिन्होंने IVF तकनीक का आविष्कार किया। और जो फर्स्ट IVF से बच्चा हुआ वो एक लड़की थी और उन्होंने उसका नाम लुइस ब्राउन रखा। अब लुइस ब्राउन की माता जी को क्या प्रॉब्लम थी? लुइस ब्राउन की जो माता जी थी उनकी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड थी। तो दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड होंगी तो क्या होगा? दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड होंगी तो अंडे और शुक्राणु का मिलन नहीं हो पाएगा। अंडे और शुक्राणु का मिलन नहीं होगा तो बच्चा नहीं होगा। तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा, डॉक्टर्स ने सोचा, अब जिन महिलाओं की ट्यूब्स बंद हैं, अब उनको अगर बच्चा चाहिए तो बच्चा कैसे हो? तो उन्होंने क्या तरीका निकाला, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अंडाशय या ओवरी में से अंडे डायरेक्टली निकाले, वीर्य में से शुक्राणु निकाले, अंडे और शुक्राणु का मिलन कराया, भ्रूण बनाया और उस भ्रूण को डायरेक्टली बच्चेदानी के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो इस तकनीक को बहुत सिंपल शब्दों में हम IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक कहते हैं। तो बिल्कुल ये हमने समझ लिया कि आखिर IVF तकनीक क्या है। डॉक्टर बकुल कपूर, जैसा कि जब जवाब दे रही थी डॉक्टर कांची खुराना, तो उन्होंने इनफर्टिलिटी का जिक्र किया। इनफर्टिलिटी की समस्या इन दिनों काफी बढ़ गई है, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे काफ़ी कारण हैं। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है शादी की उम्र। पहले क्या होता था कि शादियां 20 से 25 साल की उम्र में हो जाती थी और बच्चे भी उसी उम्र में हो जाते थे। बट आजकल क्या है कि शादी की उम्र 30 साल से ज़्यादा हो गई है। शादी करने के बाद भी कपल्स बच्चा पैदा करने के बारे में सोचते हैं, 3 से 4 साल और डालते हैं। इससे क्या होता है कि औरत की उम्र बढ़ जाती है और बढ़ती उम्र के कारण निसंतानता के कारण बढ़ते जाते हैं। फिर आ गया लाइफस्टाइल चेंजेस। पहले होता था कि घर का खाना होता था, एक्सरसाइज होती थी, बट आजकल क्या है, फास्ट फूड का ज़माना है, लोग बाहर का खाना खाना पसंद करते हैं। ये सब भी निसंतानता के कारण बनते जा रहे हैं। फिर इनसे जुड़ी बीमारियां जैसे डायबिटीज़ भी एपिडेमिक की तरह फैल रही हैं।
फिर हमारा आ जाता है वर्क स्ट्रेस. आजकल दोनों कपल्स वर्किंग होते हैं, हस्बैंड वाइफ वर्किंग होते हैं, उनको अपने टारगेट्स पूरे करने होते हैं, जिससे उनकी जिंदगियों में बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ गया है और ये वर्क स्ट्रेस भी निसंतानता का कारण बनता जा रहा है. डॉक्टर मनजोत कौर, अगला सवाल मेरा आपसे है, क्या IVF तकनीक उन महिलाओं के लिए भी मददगार साबित हो सकती है, यानी वो महिलाएं भी माँ बन सकती हैं जिनके पीरियड्स बंद हो गए थे? जी हाँ, डेफिनेटली जिन फीमेल्स के पीरियड्स बंद हो जाते हैं उनमें माँ बनने का चांस रहता है. पीरियड्स बंद होने के दो रीज़न होते हैं. एक है नेचुरल मीनोपॉज, जो कि 45 इयर्स की एज के बाद फीमेल्स में हो जाता है, और दूसरा है प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर. ये होता है जिन औरतों में 35 इयर्स से पहले पीरियड्स बंद हो जाते हैं. तो दोनों कारणों में एक ही कारण रहता है कि औरत के शरीर में अंडे ख़त्म हो जाते हैं. तो इससे क्या होता है कि बच्चेदानी भी थोड़ी छोटी हो जाती है, श्रिंक कर जाती है. तो इन फीमेल्स में हम क्या करते हैं कि मेडिसिंस देते हैं जिससे उनको दोबारा से पीरियड्स आ जाएं. और जैसे कि हमने बात करी कि इन फीमेल्स में अंडा नहीं बनता, तो हम किसी और हेल्दी औरत का एग लेते हैं जिसे हम डोनर एग कहते हैं. तो हम डोनर एग को इस पेशेंट के हस्बैंड का सीमन लेके उसमें से स्पर्म निकाल के उससे मिलाते हैं और IVF टेक्निक से हम एम्ब्रियो बनाते हैं और इस एम्ब्रियो को फिर पेशेंट के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो इस तरह इस फीमेल में बिल्कुल औलाद प्राप्ति हो सकती है. तो हमें यकीन है कि ये IVF और इनफर्टिलिटी को लेकर ऐसे सवाल आपके भी मन में आ रहे होंगे, जिन सवालों का जवाब अभी हमारे स्पेशलिस्ट दे रहे हैं. डॉक्टर कांची खुराना, इस बीच हमारे साथ कॉलर भी लगातार जुड़ने शुरू हो गए हैं. हमारे पहले कॉलर हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं. मेरा नाम प्रतीक है, मैं 30 साल का हूँ. शादी को 5 साल हो गए हैं. मेरी रिपोर्ट में शुक्राणु बहुत कम है. IVF से उन्हें कुछ मदद मिल सकती है? हाँ, एक ये बहुत आजकल कॉमन प्रॉब्लम हो गई है कि पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा की कमी. अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है कि आजकल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है. हम मिलावटी हवा में सांस ले रहे हैं, हम मिलावटी खाना खाते हैं. तो इन सब से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये हो रही है कि पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा में कमी आती जा रही है. उन केसेस में हम IUI कर सकते हैं. IUI होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन. इसमें हम क्या करते हैं कि वीर में से शुक्राणु निकालते हैं, शुक्राणु को वॉश करते हैं और वॉश करने के बाद एक पतले कैथेटर के जरिए उनको डायरेक्टली बच्चेदानी में इंजेक्ट कर देते हैं. अब उनको डायरेक्टली बच्चेदानी में इंजेक्ट करने का ये फ़ायदा होता है कि एक तो वो वॉश्ड स्पर्म्स होते हैं, दूसरा उनको बच्चेदानी से लेकर ट्यूब तक का डिस्टेंस थोड़ा कम ट्रैवल करना पड़ता है, तो इससे बच्चा आने का चांस जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है. अब मान लीजिए किसी के वीर्य में शुक्राणु इससे भी कम हो गए, 5 से 10 मिलियन हो गए, तो इन केसेस में हम IVF की तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि IVF की तकनीक में हम एक अंडा लेते हैं और एक शुक्राणु लेते हैं, अंडे और शुक्राणु को मिलाते हैं, भ्रूण बना के बच्चेदानी के अंदर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं. अब मान लीजिए किसी के और भी कम हो गए हैं, किसी का जो काउंट है वो केवल 1 से 5 मिलियन तक रह गया है, तो उन केसेस में हमें IVF की एडवांस तकनीकों में जाना पड़ता है. अब एक और IVF की एडवांस तकनीक होती है जिसको हम ICSI कहते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. अब ये एक माइक्रो मैनिपुलेशन तकनीक है, मतलब कि माइक्रोस्कोप के जरिए हम इस तकनीक को करते हैं. इसमें क्या होता है कि एक माइक्रो मैनिपुलेटर मशीन होती है, ICSI मशीन होती है, जिसमें हम एक अंडे को होल्डिंग पिपेट के जरिए पकड़ते हैं और एक शुक्राणु को इंजेक्टिंग पिपेट के जरिए डायरेक्टली अंडे के अंदर डाल दिया जाता है. तो इससे क्या होता है, अंडे और शुक्राणु का मिलन डायरेक्टली करवाया जाता है, भ्रूण बनाया जाता है, भ्रूण को 3 से 5 दिन तक बाहर ही बड़ा किया जाता है और तीसरे दिन या 5वें दिन इसको बच्चेदानी के अंदर डाल दिया जाता है. तो इस तकनीक से जिन लोगों की या जिन पुरुषों के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा की भारी कमी है, ऐसे हजारों पुरुष इस तकनीक के द्वारा लाभान्वित हुए हैं और उन्हें संतान सुख की प्राप्ति का आनंद प्राप्त हुआ है. तो उम्मीद है कि मनदीप जी, आपको आपका जवाब मिल गया होगा. इस बीच सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगी कि निसंतानता से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमारे स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं. इन नंबर्स पर कॉल करके आप स्पेशलिस्ट से अपना सवाल पूछ सकते हैं. चलिए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और अगला सवाल है मेरा डॉक्टर बकुल कपूर से. डॉक्टर बकुल कपूर, 1978 में IVF तकनीक की शुरुआत हुई थी, अब इस तकनीक में क्या एडवांसमेंट आ गई है? इसी तरह जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, ये 1978 की टेक्निक है. अब इसका भी मोस्ट एडवांस्ड वर्जन आ गया है जिसका नाम है ICSI, यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन.
इसके बारे में डिटेल में डॉक्टर कांची ने हमें अभी एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा भी बहुत सी एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं, जैसे कि लेज़र असिस्टेड हैचिंग। लेज़र असिस्टेड हैचिंग में हम क्या करते हैं, हम लेज़र की किरणों के द्वारा जो भ्रूण होता है उसके आवरण या उसके खोल को पतला कर देते हैं, ताकि जब हम भ्रूण को बच्चेदानी के अंदर रखें तो वो बच्चेदानी की दीवार के साथ चिपक सके, अपना संपर्क बना सके। फिर एक और टेक्निक है जिसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट कल्चर। ब्लास्टोसिस्ट कल्चर में हम तीसरे दिन के भ्रूण को पाँचवें दिन तक लेकर जाते हैं, उसे बाहर लैब में ही पोषित करते हैं। माना गया है कि जो पाँचवें दिन का भ्रूण है वो सबसे स्ट्रांग होता है, उसमें प्रेगनेंसी करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। फिर आ जाती है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग। ये टेक्निक उन्हीं कपल्स के लिए हेल्पफुल है जिनके 5 से 6 अबॉर्शन हो चुके हैं, या जिनका नॉर्मली ही एक जेनेटिकली एबनॉर्मल बच्चा हुआ है, या बार बार IVF फेल हो रहे हैं। फिर हमारे पास एक टेक्निक है जिसका नाम है क्लोज्ड वर्किंग चैम्बर। क्लोज्ड वर्किंग चैम्बर का जो वातावरण होता है वो बिल्कुल महिला के शरीर जैसा होता है। उसका तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड 5% होता है। हम अंडे और शुक्राणु को मिलाने का काम क्लोज्ड वर्किंग चैम्बर के अंदर ही करते हैं। इसका वातावरण बिल्कुल ट्यूब के जैसा ही होता है, इसलिए भ्रूण बनाने के बाद हम उस भ्रूण को बच्चेदानी के अंदर प्रत्यारोपित कर देते हैं। फिर हमारे पास एक और टेक्निक है जिसका नाम है IMSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मॉर्फोलॉजिकली स्पर्म इंजेक्शन। इसमें हम क्या करते हैं कि एक शुक्राणु का चयन माइक्रोस्कोप के अंडर करते हैं, 5000 से 6000 गुना बढ़ाकर। उस शुक्राणु का चयन करके हम उसे अंडे के साथ मिलाते हैं, भ्रूण बनाते हैं और उस भ्रूण को बच्चेदानी के अंदर रख देते हैं। तो इतनी एडवांसमेंट इस वक्त IVF में आ चुकी है और ये बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, घबराने की डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर मंजोत कौर, आप हमें ये बताइए कि वो कौन से टेस्ट हैं जो कि निसंतान दंपतियों को कराने चाहिए। निसंतान कपल्स में हमें मेल और फीमेल दोनों की कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करानी होती हैं, जिससे हमें पता चल सके कि इनफर्टिलिटी का रीज़न मेल में है या फीमेल में है या दोनों में है। तो मेल में हम एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन है सीमन एनालिसिस, जो वीर्य की जांच होती है। हम ये टेस्ट करके इसमें देखते हैं कि शुक्राणु का काउंट कितना है और इसकी कुछ क्वालिटीज़ देखते हैं, जैसे इसकी बनतर कैसी है, इसकी वाइटैलिटी, इसकी मोटिलिटी देखते हैं कि ये चल रहा है या नहीं, जीवित है या नहीं। तो ऐसे कुछ और क्वालिटीज़ होती हैं जो हम देखते हैं। और फीमेल में जैसे हमने बात करी थी कि प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए एक अंडेदानी का, ट्यूब का और यूट्रस का, तीनों का अच्छे से काम करना बहुत ज़रूरी है। तो हम जो टेस्ट करते हैं कि जिससे हमें पता चल सके ये तीनों अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, हम एक बेसिक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं जिससे हम अंडेदानी देख सकते हैं, यूट्रस देख सकते हैं कि अंडेदानी में अंडे बन रहे हैं या नहीं, यूट्रस का साइज़ क्या है, इसकी परत ठीक से बन रही है या नहीं, इसकी परत में खून का बहाव कैसा है। और दूसरा है ट्यूब की जाँच। तो ट्यूब की जाँच के लिए हमारे पास 2-3 टेस्ट होते हैं, तो वो करके हम देख लेते हैं ट्यूबें खुली है या नहीं। तो ये कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। फिलहाल एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले एक बार फिर से आपको बता दें कि लगातार हमारे स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। ये वो नंबर्स हैं जिसपे आप कॉल करके अपना सवाल आप हमारे स्पेशलिस्ट से पूछ सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे।